किड्स, वेलकम टू किड्स बाइबल स्टोरीज। हमारी आज की कहानी मत्ती की अंजील उसके 21 बाब से है, जहां यीशु गधे की सवारी करता है। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंत को इनकी ज़रूरत है, वो फील फॉर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मजीद कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। और अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। तो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। बाय बाय।